हेलो दोस्तों, ये है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आई टच स्टार्ट स्पेशल एडिशन। दोस्तों इसका मैं EMI कैलकुलेशन कर चुका हूँ दिल्ली का। आज मैं इसका EMI कैलकुलेशन करने वाला हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता का, कि कोलकाता में इसका क्या प्राइस है, क्या लेने में कितना खर्चा आएगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों कोलकाता में इसका एक शोरूम प्राइस है 40,348 रुपया, इसका ऑन रोड प्राइस है 49,275 रुपया। अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका लोन अमाउंट होगा 36,313 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 17,074 रुपया और आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा 1162 रुपये, यानी 1162 रुपये आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा। सोचो सब कुछ मिला के आप अगर 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के बाद आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वो भी जान लीजिए। वो है 58,906 रुपये आपके गाड़ी की टोटल कॉस्ट आ रहा है। अगर आप इसको 2 साल के लिए भी फाइनेंस कराना चाहते हो यानी 24 मंथ, तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 57,462 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 17,574 रुपया, आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा 1662 रुपया। अगर आप इसको 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपके गाड़ी का जो टोटल कॉस्ट है वो 57,070 रुपया आ जाएगा। आपको जो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो है 1978 रुपये आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको मंथली EMI यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, वो है 3,166 रुपये आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताया कोलकाता से 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, इससे पहले मैं यही गाड़ी को दिल्ली से भी EMI कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतने। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ख्याल हो, कोई भी कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, तो आप जाके नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।